हाय गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। जो भी आपने वीडियो देखा है उस वीडियो को मैं ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि वो वीडियो को बनाते कैसे हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने वीएन एप्लीकेशन में। अब चाहो तो वीएन एप्लीकेशन टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो वीएन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ से प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो मिल जाएगा, वीडियो आपको ले लेना है। तो मैं ले लेता हूँ वो वीडियो को। वीडियो लेने के बाद हम लोग तीन फोटो लेंगे, तो मैं तीन फोटो ले लेता हूँ। तीन फोटो लेने के बाद ये एरो का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और अपना तीन फोटो लेने के बाद यहाँ ऑडियो का निशान दिख रहा होगा, इसमें प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे और म्यूजिक में जाएंगे। म्यूजिक पे जाने के बाद यहाँ से आपको ऑडियो ले लेना है। तो मैं ऑडियो ले लेता हूँ, आपको ऑडियो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ऑडियो लेने के बाद यहाँ से म्यूजिक बीट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और अपने को बीट लगाना है। तो बीट मैं लगा लेता हूँ, तो पहले से मैं लगाया हूँ, उसको पहले डिलीट कर लेते हैं। तो ये अपना हो चुका है डिलीट। तो ऐसे एक बार प्ले करके देखना है और फिर बीट लगाते जाना है, ठीक है। तो फिर मैं प्ले करता हूँ, फिर यहाँ एक बीट लगेगा। ये बीट डिलीट होगा और ये भी बीट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट वाला बीट है, यहाँ एक बीट लगेगा, ठीक है। फिर प्ले करते हैं, फिर एक बीट यहाँ लगेगा। ये हो गया, अपना तीन बीट लग चुका है। इस तरह से बीट लगा लेना है, फिर राइट के निशान पे क्लिक कर देंगे और एक बार फिर से राइट के निशान पे क्लिक कर देंगे। अब बीट लगाने के बाद अपने को क्या करना है, अपना फोटो को जमाना है। जैसे कि ये थर्ड वाला बीट है ना, वहाँ तक फोटो को जमाना है और जो लास्ट वाला फोटो है उसको हम लोग को जहाँ तक आइडिया है वहाँ तक जमाना है। तो ये हो चुका है। उसके बाद लास्ट में जो ब्लैक वाला उसको डिलीट कर देंगे इस तरीके से। ये होने के बाद क्या करना है, फोटो फर्स्ट वाले फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग डिजिटल लिखा इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसको फर्स्ट में ले जाएंगे और फर्स्ट में लगा देंगे इस तरह से, फिर राइट के निशान पे क्लिक कर देंगे। फिर सेकंड वाले फोटो पे चलेंगे, और इसमें डिजिटल लेफ्ट लिखा इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसको भी फर्स्ट में लेंगे और थोड़ा फैला देंगे साइज में। फिर लास्ट वाले फोटो पे चलेंगे, एफ एक्स में चलेंगे और यहाँ से लेना है अपने को सैंक वाला, ठीक है ये। उसके बाद इसको भी फैला देंगे इस तरीके से। इतना होने के बाद, एफ एक्स लगाने के बाद अपने को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ जूम लिखा है ना फर्स्ट वाले फोटो पे क्लिक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जूम लिखा है ना इस पर क्लिक करेंगे और मूव टू लेफ्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले सेकंड वाले फोटो पे क्लिक करेंगे और मूव टू राइट लेंगे, मूव टू राइट। ये होने के बाद उसके बाद लास्ट वाले फोटो पे जूम वाले लेंगे, जूम आउट वाला। जूम इन वाला या फिर जूम आउट वाला आप ले सकते हैं। उसके बाद राइट के निशान पे क्लिक कर देंगे तो अपना वीडियो तैयार हो जाएगा। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। ਬੈਠੇ
तो ये अपना वीडियो तैयार हो चुका है। फिर उसके बाद सेव करने के बाद सेव करने के लिए यहाँ से स्पॉट लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और अपना वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा सा कमेंट करिएगा। धन्यवाद।